मेरे हाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था सीट 795 mm की है, लेकिन फिर भी आपको महसूस नहीं होने वाला है क्योंकि सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है। हाय गाइस, वेलकम टू मोटरबीन। मोटरबीन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसे मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे जो हीरो मोटर्स की तरफ से आता है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल होने वाला है, एक 160 सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। और ये जो मोटरसाइकिल हमारे पास आप देख रहे हो, ये रिसेंट अपडेट में आपको ये दिखाया जा रहा है। ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हो, पहले आपको हीरो 160 आता था, लेकिन वो टू वाल्व इंजन के साथ आता था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे जो मेजर अपडेट आपको देखने को मिलता है, इंजन के अंदर बहुत बढ़िया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। फोर वाल्व इंजन के साथ ऑफर की जाती है, ये भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास ये जो बाइक है, ये नियॉन कलर बोला जाता है, और नियॉन कलर के साथ ये गाड़ी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एक्सट्रीम 164 भी आपको नियॉन कलर के साथ साथ एक दूसरा कलर भी ऑफर की जाती है, जिसको ब्लैक कलर बोला जाता है, वो भी बहुत स्टाइलिश दिखता है। लेकिन ये नियॉन कलर थोड़ा सा हाइलाइटेड कलर हो जाते हैं, लोगों के बहुत सारे लोगों की आई अट्रैक्शन मिलने वाला है। और यहाँ पे जो फ्यूल टैंक आता है ना, ये देख लीजिए, यहाँ पे बेसिकली आपको प्लास्टिक का हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको मेटल फ्यूल टैंक ऑफर की जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3D में एक्सट्रीम लिखा हुआ दिखेगा, आप देख लीजिए, कंप्लीट 3D लोगों के साथ आता है। यहाँ पे हीरो लिखा हुआ दिखेगा, एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको 160 लिखा हुआ दिखेगा, ये भी आप देख सकते हो। हीरो का जो लोगो है वो टच आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ देखेंगे तो स्टिकर में ऑफर की जाती है, लेकिन फिर भी ये भी काफी बढ़िया ही दिखेगा। इस तरफ देखेंगे तो और दिखा जाए तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ओवरऑल इसकी जो फिट एंड फिनिशिंग है काफी बढ़िया मिलता है। इंजन गियर बॉक्स देख लीजिए, यहाँ पे भी हीरो का एक लोगो एम्ब्लेम में ऑफर की जाती है। देख लीजिए यहाँ पे 4V यानी 4 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ आता है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो काउल आता है इसके अंदर भी आपको ये लिखा हुआ दिखेगा। इंजन पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख लीजिए ऑयल कूलर भी ऑफर की जाती है, ऑयल कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, उसके लिए आपको यहाँ पे रेडिएटर मतलब ऑयल कूलिंग रेडिएटर आता है। एंड यहाँ पे ये 4 वाल्व टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क फिगर में भी इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब वो भी बढ़ चुका है पहले से। एंड इसकी वजह से आपको जब आप इसको राइड करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक बेहतर एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो आपको फिलहाल पावर एंड टॉर्क मिलता है एग्जैक्टली आपको 16.6 bhp पावर, एंड साथ ही साथ आपको 14.4 न्यूटन मीटर टॉर्क यू विल गेट फ्रॉम दिस इंजन। तो यहाँ पे पहले जो इंजन आता था उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। मैं बता दूं आपको, अप्रोक्सीमेटली 0.4 nm टॉर्क बढ़ चुका है, एंड साथ ही साथ 1.6 bhp पावर भी बढ़ चुका है इस इंजन की 4 वाल्व टेक्नोलॉजी की वजह से। फुटपेक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, राइडर के लिए जो फुटपेक्स आता है रबर पैडिंग के साथ मिलेगा। यहाँ पे जो ब्रेक आता है ये आपको कंप्लीट मेटल में, कोई भी पैडिंग नहीं आता है, लेकिन रगेड लुक के साथ। पीछे देखेंगे तो पिलियन के लिए जो फुटपेक्स आता है ये आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर आपको जो फ्यूल टैंक दिया जाता है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर की जाती है, 2 लीटर आपको रिजर्व की ऑप्शन भी इसके अंदर ऑफर किया जाता है। यहाँ पे कैप देखेंगे तो देख लीजिए, फ्यूल कैप जो आता है कुछ आपको इस तरह ऑफर की जाती है, और ये जो कैप आता है ये कंप्लीटली बाहर आ जाती है। एक बार आपको दिखा दूं, तो मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप इसको देखेंगे ना, ये देखिए पूरा ओपन होके हाथ में आ जाते हैं। ये अगर यहाँ पे फिक्स होता, एक क्लिप की मदद से यहाँ पे लगा हुआ होता तो और बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है, जितना दिया जाता है कंपनी की तरफ से सफिशियंट है। अभी चलिए फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं, बाइक के साथ आपको एक USD फोर्क्स ऑफर की जाती है, और ये USD फोर्क्स की वजह से इसकी ओवरऑल लुक एंड रोड प्रेजेंस काफी बढ़िया मिलने वाला है। आप देख लीजिए कंप्लीट गोल्डन कलर में 43 mm की USD फोक्स दी जाती है। साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पे और देखेंगे जो टायर ऑफर की जाती है, 100 सेक्शन के टायर आता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप डिस्क भी देख सकते हो, पेटल डिस्क आता है। इसके साथ साथ आपको ABS का रिंग भी यहाँ से विजिबल हो जाएगा। बाइक के साथ आपको एक सिंगल चैनल ABS दिया जाता है, अगर डुअल चैनल होता तो और बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी जितना दिया जाता है 160 सेगमेंट की मोटरसाइकिल के हिसाब से सफिशियंट है। आप इसकी ओवरऑल लुकिंग देखेंगे ना, काफी बढ़िया लुकिंग अभी फिलहाल आपको देखने को मिलता है। एंड फ्रंट पे और देखेंगे तो हेडलैम्प यूनिट आपको यहाँ पे जो दिया जाता है, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, पहले आप एक बार ओवरऑल देख लीजिए। यहाँ पे जो लाइट सेटअप आता है पहले की तरह ही आपको देखने को मिलेगा, छोटा मोटा चेंजेस किया गया है। मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए जो इसके DRL है दोनों तरफ आता है, एंड लो बीम आपको ऊपर की तरफ दिया जाएगा एंड हाई बीम नीचे की तरफ। मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। जैसे आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो लो बीम ऊपर की तरफ देख लीजिए ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, एंड हाई बीम के लिए आपको नीचे यहाँ पे ये देख लीजिए हाई बीम आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो ये लाइट का जो सेटअप है एंड ओवरऑल इसकी जो थ्रो है
काफी तगड़ी आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। किसी भी कस्टमर अभी तक तो इसकी लाइट लेकर कोई भी शिकायत नहीं किया है। और यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है ये देख लीजिए, यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स आते हैं कंप्लीट एलईडी आते हैं। एक बार आपको ऑन करके दिखाया जाए तो ये देख लीजिए, कंप्लीट एलईडीज में ऑफर की जाती है, मतलब बाइक के साथ जितने भी लाइट सेट ऑफर की जाती है कंप्लीट एलईडीज में ऑफर की जाती है, जो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस बाइक के साथ आपको जो सीट हाइट प्रोवाइड की जाती है ये आपको 795 mm की प्रोवाइड की जाती है। आपको सुन के लग रहा है कि ज्यादा है, हाँ सच में ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो सस्पेंशन ऑफर की जाती है एक मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, आप देख लीजिए रेड कलर की कॉइल स्प्रिंग आप देख सकते हो अभी। और ये जो सस्पेंशन सेटअप है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसकी वजह से जब आप इसमें बैठेंगे तो सीट थोड़ा सा दब जाएगा, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला है कि 795 mm की सीट हाइट है। आप यहाँ पे देख लीजिए स्प्लिट सीटिंग ऑप्शन ऑफर की जाती है, पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल सीट होने वाला है, राइडर के लिए भी कंफर्टेबल होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ये नियॉन कलर की टच आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाती है, बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत स्टाइलिश 160R आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ दिखेगा। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स ऑफर की जाती है, दो ग्रैब हैंडल आते हैं, बहुत सॉलिड है, बिल्ड काफी सॉलिड है। एंड पहले से आपको 164V के अंदर 162V के अंदर जो यहाँ पे टेल लैम्प सेक्शन ऑफर की जाता है स्मोकी डिजाइन के साथ आता था, और ये इसका सिग्नेचर है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, पहले भी आता था बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था, आज भी बहुत अट्रैक्टिव है। और इसके साथ आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है, पहले की तरह ही आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए जैसे आप इग्निशन देंगे ना यहाँ पे देख लीजिए स्मोकी फिनिशिंग के साथ आते हैं, बहुत ब्राइट है, मतलब बहुत स्टाइलिश है। अब जैसे ब्रेक प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो थ्रो होने वाला है लाइट का, ये भी काफी सॉलिड आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया थ्रो के साथ। अब रेयर टायर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए 130 सेक्शन रेयर टायर आते हैं, सीएट की टायर ऑफर की जाती है, एंड कंप्लीट रेडियल टायर आता है यहाँ पे, और नियोन कलर होने की वजह से आपको यहाँ पे एक स्ट्रिपिंग भी देखने को मिलेगा, जिस कलर में गाड़ी होगा उसी कलर के साथ आपको यहाँ पे स्ट्रिपिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे भी डिस्क ऑफर की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ABS की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, रेयर प्रोफाइल पे आप टॉप वेरियंट भी चूज करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। हमारे पास जो वेरियंट है ये टॉप वेरियंट ही है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट सीटिंग ऑप्शन ऑफर की जाती है, इसके नीचे और एक वेरियंट आता है जहाँ पे सिंगल सीट मिलेगा, एंड साथ ही साथ वहाँ पे आपको USD फोक्स नहीं मिलेगा, वो इसके लोअर वेरिएंट के अंदर आता है, लेकिन ये टॉप वेरिएंट के साथ आपको ये चीज देखने को मिलेगा, स्प्लिट सीट एंड USD फोक, ये इसका सिग्नेचर, मतलब टॉप वेरिएंट के अंदर ये चीज आपको एडिशनल मिलता है। आप यहाँ पे और देखेंगे तो जो यहाँ पे आपको साइलेंसर प्रोवाइड की जाती है, इसके ऊपर आपको मेटल की एक गार्ड प्रोवाइड की जाती है हीट प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली। दोस्तों चलिए अभी एक बार आपको इसके सीट के अंदर बैठ के दिखा देता हूं कितना कंफर्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। सो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था सीट 795 mm की है, लेकिन फिर भी आपको महसूस नहीं होने वाला है क्योंकि सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है, तो इसकी वजह से आपको ये चीज महसूस नहीं होने वाला है। एंड कंफर्टेबिलिटी की बात करूं तो सीट काफी कंफर्टेबल है, राइडर के लिए भी काफी कंफर्टेबल है, एंड पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल ही होने वाला है। एंड और खास एक चीज बताऊं तो यहाँ पे आपको एक वॉल टाइप दिख रहा है, मतलब स्प्लिट सीट होने की वजह से ये जो वॉल टाइप आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी वजह से बैक में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, राइडर के बैक में काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब इसके हैंडल बार्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके अंदर आपको एक सिंगल बार हैंडल बार्स ऑफर की जाती है, एंड यहाँ पे जो कंट्रोल्स आपको मिलने वाला है राइट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड किल स्विच आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, हैजार्ड के लिए डेडिकेटेड बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, राइट साइड पे ही दिया जाता है। लेफ्ट साइड हैंडल बार की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम के लिए बटन एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स की कंट्रोल, यहाँ पे आपको हॉर्न ऑफर की जाती है, हॉर्न अगर सुनाया जाए तो आप देख लीजिए काफी लाउड है, सिंगल हॉर्न सिस्टम आता है लेकिन फिर भी काफी लाउड है। पास के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड की जाती है, ये आप देख लीजिए। एंड यहाँ पे देखेंगे तो बीच में आपको की इंसर्टिंग होल ऑफर की जाती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए की इंसर्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पे होल, एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको हीरो की एक बैजिंग भी ऑफर की जाती है, काफी बढ़िया दिखता है कंप्लीट एनग्रेव के साथ। एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले ऑफर की जाती है ये आप एक बार देख लीजिए, कंप्लीट डिजिटल आता है, पहले भी डिजिटल ही आता था, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जैसे आप इग्निशन को ऑन करेंगे ना यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट डिजिटल सिस्टम है, बहुत बढ़िया दिखता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी अभी आपको शो करेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो RPM मीटर प्रोवाइड की जाती है वो आपको कुछ ऊपर की तरफ हॉरिजेंटल लाइनिंग के साथ मिलेगा, एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको ट्रिप है ट्रिप भी सब कुछ इसके अंदर विजिबल हो जाएगा, जितने भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड साइड स्टैंड कटअप सेंसर ऑफर की जाती है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ भी यहाँ पे शो कर जाएगा, ये भी देख सकते हो। एंड ABS की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सब कुछ आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। दोस्तों अभी आपको 164V ये जो 4-valve टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है, इसकी वजह से आपको अप्रॉक्सीमेटली जो माइलेज पहले जो माइलेज आता था अप्रॉक्सीमेटली 45+ क्लेम था, अभी भी वही आपको मिलेगा, लेकिन पावर एंड टॉर्क फिगर के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है,
वो मैंने जैसे आपको बताया 1.6 bhp पावर इंप्रूव हुआ है एंड साथ ही साथ 0.4 न्यूटन मीटर टॉर्क बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसकी ड्रैग भी और भी काफी ज्यादा आपको मिलने वाला है। बाइक काफी अच्छा है, इसके अंदर सब कुछ डिजिटल ऑफर की जाती है एंड जितने भी लाइट्स वगैरह आते हैं सब कुछ आपको LEDs में प्रोवाइड की जाती है। बैठने में काफी अच्छा फील प्रोवाइड करेगा। 160 सेगमेंट की बाइक जो होते हैं बेसिकली डेली कमिटमेंट के लिए होते हैं, अगर आप ऑफिस आने जाने के लिए या फिर कॉलेज आने जाने के लिए, मतलब जितने भी यंग पर्सन होंगे उनकी ये डेफिनेटली पसंद आने वाले। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन था इस बाइक के साथ सब कुछ शेयर कर दिए, अगर आपको फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रहते तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।